हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू रिएक्शन। आज पे कॉमेडी वालों के साथ मगर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं हूं लुकमान और ये आदिल है। और आज हम जो वीडियो देखेंगे वो है कंगना रनावत यूटी रनावत तो नहीं बनता ना, ऑन डायरेक्टर्स नेपोटिज्म एंड फिल्म्स। ठीक है, अच्छा ये हमने एक कॉल पहले वीडियो देखी थी, उसके बाद इसकी सजेशन आ रही थी कि शी इज टॉकिंग अबाउट इट फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम नाउ, मतलब ये 3 साल पुरानी वीडियो है और ये आजकल बड़ी रेलिवेंट रेलिवेंट बनी जा रही है, तो इसकी सजेशन आ रही है। तो देखते हैं कि तब आज से 3 साल बाद पहले वो इस बारे में क्या बात कर रही थी और इसके बाद एक दो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो इस पर हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स सी के इस वीडियो में क्या बात हो रही है। कंगना फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहते हैं आप हर चीज में आप फिल्म इंडस्ट्री को चैलेंज करती हैं, आप कहती हैं फिल्म इंडस्ट्री सेक्सिस्ट है, लड़कियों को डॉल समझती हैं, ऑब्जेक्ट समझती हैं, आप कहती हैं यहाँ 4 खानदान हैं उनका राज चलता है, आप कहती हैं डायरेक्टर्स को अपने काम की समझ नहीं है, तो पानी में रह के मगरमच्छ से बैर। वैसे सर मैंने जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा है और मैंने ये भी चीज़ देखी है कि किसी की मेहनत से और किसी की किस्मत पे किसी का जोर नहीं है। मैं ऐसा नहीं किसी को बदलना चाहती हूँ कि इंडस्ट्री ऐसे चले कि लोग ऐसा करें, ऐसा पता नहीं क्यों लोगों को लगता है, लेकिन जो मेरे मुझे जो रास्ते में मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है या मेरे साथ गलत, तो मैं सिर्फ उसी के खिलाफ। अब करण जौहर इतने बड़े डायरेक्टर हैं, सब डरते हैं उनसे, आपने कह दिया ये मूवी माफिया है। मुझे डर नहीं लगता उनसे। उन्होंने कहा क्योंकि मैं कंगना को काम नहीं दे रहा था इसलिए कंगना ने मुझे मूवी माफिया कह दिया। करण जौहर की मैंने एक फिल्म की हुई है उंगली में, उन्होंने मेरे को कोई 10 मिनट, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है, मुझे चाहिए नहीं उनसे काम, बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन आपने उनसे ये भी कहा कि वो नेपोटिज्म के जो खानदान बात चलता है उसके फ्लैग बेरर हैं। तो मेरे सामने बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि कंगना तुम अपने में ही रहती हो, कहीं कोई पार्टीज़ में नहीं जाती, दिखती नहीं हो, अपना ही तुम्हारा मतलब मेरी फैमिली में ही मैं खुश हूँ, तो तुम बड़ी मतलब अपने में ही रहती हो। तो मैंने भी उनकी एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने मेरे बारे में बताई, तो मैंने भी कहा कि यार आप लोग लेकिन बहुत एक क्लोज निट सर्कल हो और आप लोग काफ़ी मतलब नेपोटिज्म और ये सब देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा हम कुछ ऐसे ही आदान प्रदान कर रहे थे विचारों का, वो तो बिल्कुल ही चढ़ गए बाद में, फिर मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। आपने कह दिया कि ये 4-5 खानदान है जो फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं, तो ये तो बात सच है। देखिए वो लोग कहते हैं जो खानदान वाले बच्चे होते हैं उनको फिल्म इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करने का, उनको डिक्शन का, लैंग्वेज का, हॉर्स राइडिंग का, डांस का, इस सब की ट्रेनिंग मिलती है। उनको क्या होता है कि बचपन से ही ये ट्रेनिंग्स जो है वो चलती है, तो जब वो बड़े होते हैं या ऑडिशन देते हैं तो उनके बाल अच्छे बने होते हैं, अच्छा मेकअप उनको आता है, जर्नलिस्ट ऑलरेडी उनके फ्रेंड होते हैं, उनकी पैम्परिंग करते रहते हैं। तो हाँ जब उनकी पहली फिल्म आती है, मैं अपनी पहली फिल्म में मेरा अगर आप देखें मेकअप हेयर जो भी है उस हिसाब से, या अगर फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों का देखें जिस तरह से उनको बड़े लेवल पर उनका लॉन्च होता है, तो फ़र्क तो बहुत होता है। लेकिन ये कहना कि वो बेहतर हैं हमसे, ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। इंसान का मेकअप या इंसान के हेयर या इंसान की कोई ट्रेनिंग इंसान को बेहतर नहीं बनाती है, उसकी ज़िंदगी, उसका ज़िंदगी देखने का नज़रिया, उसका तजुर्बा, हमारे पास ट्रेनिंग हो चाहे नहीं हो लेकिन हम लोगों के पास भी नज़रिया है ज़िंदगी का, और आप लोगों से बेहतर है क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से देखते हैं, एक 4 दीवार में बैठकर फिल्मी दुनिया की नज़रिए से नहीं देखते हैं। सो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट जो है, आर्ट जो है वो डेमोक्रेटिक है, वो सबका है इंडिया में। तो ऐसा कहना, और ऐसा उन्होंने जो एक वाहियात ब्लॉग लिखा था जिसमें कहा था कि इंडस्ट्री के ही बच्चे सबसे बेस्ट हैं, वही अच्छे दिखते हैं, मैंने 50,000 लड़कियों को ऑडिशन किया और उसमें जो है कोई भी एक भी निकल के नहीं आया, ये वही आता है बिकॉज आपका नज़रिया है, वो ज़रूरी नहीं है ये सच है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब लेकिन हो सकता है मुझे कोई ऐसा अच्छा लगे जो कि बिल्कुल रॉ हो, जो कि जब मैं मुझे अनुराग बासु ने देखा था, इनफैक्ट मुझे बहुत लोगों ने ऑडिशन में जो है रिजेक्ट भी किया है, बहुत लोगों ने मुझे काम भी नहीं दिया है, लेकिन जब मुझे शेखर कपूर जी ने देखा गैंगस्टर से पहले, तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। अनुराग बासु ने मुझे देखा तो कहते कि अरे वाह तुम्हारे बाल बड़े अच्छे हैं। तो जबकि मैंने
ऐसे मैं लोगों का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कहीं वो तो बाल स्ट्रेट करा लो, तुमको डिम्पल नहीं पड़ते हैं, तुम्हारी आंखें भी काली हैं, तो अपना अपना नजरिया होता है। अभी वही चीज़ जो है, अनुराग बासु को अच्छी लगी, वही किसी को अच्छी नहीं लगी। आदित्य चोपड़ा ने आपको कहा कि आप तो 10 साल में भी कहीं नहीं पहुँच सकती। उन्होंने रिकू जी को कहा था, वो मुझे गैंगस्टर के बाद वो मुझे आदित्य चोपड़ा जी से मिलाने लेके गए थे, तो फिर आदित्य जी ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, उन्होंने मुझे सुल्तान ऑफर की, कहते कि कंगना बट मुझे सबसे पहले ये बात एडमिट करनी है कि मैं जब तुमको पहली बार मिला तो मैंने तुम्हारे मैनेजर को कहा कि इस लड़की का कुछ नहीं होने वाला, इस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो अपना अपना नज़रिया है, लेकिन ये कहना करण जौहर जी का कि इनका कुछ हो ही नहीं सकता, ये गलत है। करण जौहर जी तो आपकी अंग्रेजी का भी मजाक उड़ाया था। मेरी अंग्रेजी का तो सारे मजाक उड़ाते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और खानदान की नहीं है, खानदान कैसे होते हैं, वरुण धवन, सैफ अली खान, इन्होंने भी पब्लिकली मजाक उड़ाया था। तो वरुण सैफ तो मेरे दोस्त हैं और उनको मैंने ओपन लेटर भी लिखा था, लेकिन ये आई थिंक ये जो विवाद है ये आइडियोलॉजीज़ का है, विचारों का है, लोगों का नहीं है। सैफ तो इतने अच्छे मित्र हैं, उनके घर अक्सर आना जाना रहता है, और अभी अगली बार मिलेंगे तो शायद एक दूसरे को छेड़ेंगे भी इस बात को लेके, लेकिन ऐसे कोई हम लोगों में किसी तरह का बिटरनेस नहीं है। लेकिन करण जौहर के लिए बारे में तो आप वो तनु वेट्स मनु का डायलॉग मार सकती ना, अभी तो और जलील करना है तुझे। और आप घी डाल रहे हैं उसमें पूरा। तो घी तो डालना बनता है, आपकी अदालत में आएंगे वहां पे ऐसे क्वेश्चंस तो लाजमी होंगे। बड़ा मजे का बोलती है ना, बहुत चिल हो गया, नहीं बंदा बैठा होता, सही है भाई। किसी बात का डर नहीं है, खौफ नहीं है, मतलब जो मर्जी जो ओपिनियन है ना वो सामने रखेंगे। गुड गुड गुड। तो ये इशू काफी सालों से इसका मतलब है कि चल रहा है, 2017 की वीडियो है, तो मतलब अभी 2020 में आप बैठे हैं, काफी टाइम से चल रहा है नेपोटिज्म। एग्जैक्टली, तो ये मसले मौजूद हैं, और ये बात हमने पिछले वीडियो में भी की थी कि ये असल में पॉइंट इन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब अगर नेपोटिज्म है तो नेपोटिज्म ऐसे नहीं है कि कोई एक्टर अपने बच्चे की सिफारिश कर रहा है और वो मूवी में आ रहा है और वो हिट हो रहा है, नहीं, ये पूरा है कि देखो मीडिया में उनको हाईलाइट ज्यादा मिल रही है, उनकी मूवी आती है तो बचपन से ट्रेनिंग उनकी वैसे ही हो रही है, वो तो ऑब्वियसली वो फैमिली चल रहा होता है। उसके अलावा मीडिया में जैसे ही उनकी मूवी आती है तो उसको ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, ज्यादा उठाया जाता है, ऑब्वियसली जो दिखता है वो बिकता है। आप किसी मूवी की बहुत ज्यादा पब्लिसिटी करेंगे तो उसकी स्टोरी अच्छी नहीं भी होगी तो वो ज्यादा लोग देखने जाएंगे या ज्यादा न्यूज में रहेगी तो वो पॉइंट पर। एक स्टैट भी मैंने शेयर किया था जिसमें आईएमडीबी रेटिंग्स कम थी लेकिन बिजनेस फिल्म ने 100-100 करोड़ का किया था, और जो मतलब दूसरे एक्टर्स हैं जो फिल्म स्टार्स के बच्चे नहीं हैं उनकी मूवीज की आईएमडीबी रेटिंग बहुत कम और बिजनेस बहुत ज्यादा है। यही मतलब बात यही आ जाती है ना कि वो आप किस तरह से दिखाते हैं किस तरह। दूसरा इनकी जो दूसरी हमने वीडियो देखी थी उसमें इन्होंने मेंशन किया था कि अवार्ड्स तक में इसी तरह से प्रेफरेंसेस दी जाती हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बड़ी डिटेल है, मेरे यहाँ से बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर डिस्कशन आ रही चल रही है पहले तो, लेकिन ये ट्रुथ है, ये मतलब रियलिटी है, बॉलीवुड में ऐसा हो रहा है। लेकिन एक बात जो मैं करना चाह रहा था इस सारी सिचुएशन में लेके, एक जनरल पब्लिक बिहेवियर के ऊपर जो मैंने रिसेंटली कुछ ऑब्जर्व किया कि हम जो पब्लिक हैं, आम पब्लिक, हम लोग बड़ा ट्रेंड के साथ हमारा ओपिनियन चल रहा होता है। तो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, जैसे अभी एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि अनफॉलो करो, अनफॉलो, अनफॉलो, लोग बड़ी तादाद में ये इन कुछ लोगों को फॉलो कर अनफॉलो करना शुरू कर दिए, ठीक है, बट क्योंकि ये अभी ट्रेंड में, एक साल गुजरेगा तो वो बैक टू फॉलो होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप ट्रेंड के साथ अपना माइंडसेट नहीं बदलेगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बदलेगा, नजरिया नहीं बदलेगा, तब तक ये चीजें खत्म नहीं। असल में पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ट्रेंड के साथ चल रहा होता है ना, जिस चीज का ट्रेंड चल रहा होता है हम उस पे चल पड़ते हैं, और जैसे ट्रेंड और ट्रेंड भी इस तरह कि कोई आपको बताता है कि अब आपने ये करना है, क्योंकि आपने किसी की वीडियो देखी और उसने आपको कहा अनफॉलो करो, इनको अनफॉलो करो, आप नेपोटिज्म के खिलाफ इसी तरह आवाज उठा सकते हैं कि आप अनफॉलो करो, आप अनफॉलो करना शुरू कर दिए। कल कोई बोलेगा कि नहीं यार अनफॉलो करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे करो, तो आपने अनफॉलो करना छोड़ा और ऐसे चल पड़े। नहीं, मेक योर ओन ओपिनियन, ठीक है, एंड देन स्टिक टू द ओपिनियन। थोड़ा थोड़ा सा यू आर अ पर्सन, यू हैव योर ओन ओपिनियन, अपना ओपिनियन बनाएं और उसके मुताबिक चलें। ये सिर्फ ये नहीं, मैंने इसके अलावा अभी पास्ट में जब, तब हमने बात नहीं की क्योंकि करना मुनासिब नहीं लगा मुझे,
पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस कुछ खराब हुए थे, तो तब मुझे एक दो लोगों के मैसेजेस आए कि वी रियली लाइक योर वीडियोस बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू अनसब्सक्राइब यू, आई एम रियली रियली सॉरी, सो आई एम अनसब्सक्राइबिंग। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर आपको लगता है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप ज़रूर करो, लेकिन अगर आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि ट्रेंड चल रहा है और आप करना नहीं चाह रहे बट आपको कहा गया कि आपको देशभक्त बनना है, अगर आप ये करेंगे तो तभी बनेंगे, तो आप अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए ये कर रहे हैं, तो आपका ओपिनियन क्या है? वेयर डू यू एग्जिस्ट? आपको किसी ने बताया और आप वो करें, आप करना नहीं चाह रहे, तो मेक योर ओन ओपिनियन, और आपको किसी से किसी चीज़ का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। आप किसी को अनफॉलो करेंगे तो आपको नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब ये बात नहीं है। मेक योर ओन ओपिनियन और जो आपको ठीक लगता है सोचें समझें सबकी सुने, फिर खुद फैसला करें और फिर वो करें, और फिर स्टिक टू दैट प्लान, स्टिक टू दैट थिंग। अगर आपको लगता है कि अनफॉलो करना इज़ गुड तो ज़रूर करें, लेकिन फिर आप फॉलो ना करें, फिर स्टिक टू देयर ना। तो मेक योर ओन ओपिनियन, ये भी एक ट्रेंड आया और अभी ये चल रहा था, तो इसलिए मैंने कहा ये एक बात भी इंपॉर्टेंट है जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई है। ये नॉर्मली हम सब भी करते हैं कहीं ना कहीं, हम जानते हुए कभी ना जानते हुए, शायद मैंने भी ऐसी बहुत सारी हरकतें की होंगी और शायद अभी आगे भी कर दूँ अनअवेयरली। तो मेक योर ओन ओपिनियन, जो भी आप करें आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए, और सोच समझ के करें और सुने सबकी, करें अपनी जो आपको ठीक लगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।